नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल्स में निकली हुई हैं। तो हर एक बात पे डिस्कशन करेंगे, कितनी वैकेंसीज़ हैं, प्रिंसिपल की कितनी वैकेंसीज़ हैं, वाइस प्रिंसिपल की कितनी वैकेंसीज़ हैं, टीजीटी की, पीजीटी की, डेट ऑफ अप्लाई कब होगा, लास्ट डेट अप्लाई की क्या होगी, फिर सिलेबस क्या रहेगा इसमें, प्लस सैलरी स्केल, पे स्केल कितना रहेगा इसमें, प्लस क्या एग्ज़ाम में नेगेटिव टिक मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में रहेगा। तो वो सारे डिस्कशन हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सबसे पहले अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए कि कब तक आपको सबमिट करना है, तो ये 30 अप्रैल तक आपको सबमिट कर देना है। अगर पेमेंट की बात की जाए फ़ीस की, तो 1 मई से पहले पहले आपको फ़ीस जो है वो जमा करवानी है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट के लिए फ़ीस देखें तो 2,000 रुपये लगेंगे आपके। पीजीटी और टीजीटी अगर आपने भरना है तो 1,500 रुपये लगेंगे। अगर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो है या तो मई के 1 वीक में हो सकता है या तो मई के लास्ट वीक में हो सकता है। अच्छा, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, 180 मिनट्स मिलेंगे आपको। वो सारा क्राइटेरिया हम नीचे देखेंगे। तो इससे पहले अगर आपको इस वाली वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगी, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है वो पूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट ये है कि ये जो लिंक दिया हुआ है, इस पे अगर आप जाओगे तो आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म, अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो और उसको सबमिट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे देख लेते हैं हम। ओके, अब अगर पे स्केल की बात की जाए कि पे स्केल कितना है, तो प्रिंसिपल की पोस्ट पे आपको 78,000, वाइस प्रिंसिपल पे 56,100 और पीजीटीज की पोस्ट पे 47,600 और टीजीटी पे 44,900। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे पे स्केल हैं यहाँ पर। ओके, अगर ऑनलाइन टेस्ट की बात की जाए एग्जामिनेशन, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होगा, और इसमें जो है वो नेगेटिव टिक मार्किंग भी आपकी होगी। मतलब सही आंसर का आपका 1 नंबर दिया जाएगा और गलत आंसर का यहाँ पे आप आपके जो है वो -0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर सेक्शंस की बात कर ली जाए कि कौन से सेक्शंस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, तो ये प्रिंसिपल की पोस्ट का पैटर्न है। यहाँ पे हिंदी आएगी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, और एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस भी आपका देखा जाएगा। तो कुल मिला के एग्ज़ाम जो है वो 160 मार्क्स का होगा। वाइस प्रिंसिपल का भी सेम सेम क्राइटेरिया है। अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी का भी यही क्राइटेरिया है, और यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, सॉरी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो होगा 160 मार्क का। उसके बाद इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का। तो कुल मिला के 200 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर रहेगा। ओके, तो ये वाला पहले क्लियर कर दिया मैंने कि 1 मार्क्स मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर का और 0.25 मार्क्स जो है वो हर एक इनकरेक्ट आंसर का काट लिया जाएगा। टीजीटी का भी ये है कि 180 मार्क्स का आपका जो है वो एग्ज़ाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और इसमें जो है वो इसमें भी नेगेटिव टिक मार्किंग आपकी रहेगी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो प्रिंसिपल के लिए ये है कि मास्टर्स होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और अगर पर्सन जो है वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है तो ये एक्सपीरियंस, 10 ईयर का एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। ये सारे हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का। पीजीटी के लिए भी यही है, मास्टर्स होनी चाहिए, अपने डिपार्टमेंट के स्पेसिफाइड जो है वो मास्टर्स होनी चाहिए। देन टीजीटी का देख लेते हैं, टीजीटी का भी सेम सेम ही है। ओके, उसके बाद अगर बात करें नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेते हैं कि हर एक स्टेट की कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल की कितनी है, प्रिंसिपल की कितनी है, टीजीटी की कितनी है, पीजीटी की कितनी है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पोस्ट है। ओके, तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसीज़ हैं 8
8 वैकेंसीज हैं टोटल, आप देख सकते हैं हाईलाइट की हुई हैं, जिसमें प्रिंसिपल की एक वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की कोई वैकेंसी नहीं है, और पीजीटी की 6 वैकेंसीज हैं और टीजीटी की एक वैकेंसी है। नेक्स्ट पीडीएफ फाइल में हम देखेंगे कि जो ये 6 और 1 वैकेंसी जो हैं पीजीटी और टीजीटी की, ये कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस वीडियो के बाद थोड़े दिनों के बाद हम एक ऐसी वीडियो भी लाएंगे जिसमें पूरा फॉर्मेट आपको दिया होगा और एक फॉर्म जो है वो फिल करके बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपने पूरा फॉर्म जो है वो फिल करना है। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं वैकेंसीज। ये रहा हिमाचल प्रदेश, तो प्रिंसिपल की एक वैकेंसी है और एक ही अनरिजर्व की है वैकेंसी। देन यहाँ पे अगर पीजीटीज की बात कर ली जाए तो हिंदी की एक वैकेंसी है, मैथ की एक है, इकोनॉमिक्स की भी है एक, बायोलॉजी की एक है, हिस्ट्री की एक है, और साथ में पीजीटी आईटी की भी एक है। अगर टीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी की सिर्फ एक वैकेंसी है और वो है मैथ्स की। तो टोटल वैकेंसीज होगी यहाँ पे 8, जिसमें प्रिंसिपल की है, पीजीटीज की है, टीजीटी की है। अगर आपको गाइस पूरी अगर आपको पूरी पीडीएफ जो है वो रीड करनी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप प्लीज़ जो है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो, बाकी क्राइटेरिया भी बहुत रखा हुआ है इन्होंने, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं यहीं पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन्स।